हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवी फोर आई क्लासेस। आई रिनिशा इज हेयर टू एक्सेल यू इन द टॉपिक ऑफ टेंसेस। तो लास्ट क्लास में अगर हम बात करें तो हमने पास्ट कंटिन्यूअस पूरा कवर कर लिया था कि क्या होता है, कैसे इवेंट अकर होगा, सब कुछ। तो इस क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पास्ट परफेक्ट टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय पास्ट परफेक्ट टेंस? पास्ट परफेक्ट एक्शन इंडिकेट्स दैट द एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट हमें उन एक्शंस के बारे में बताता है जो पास्ट में कंप्लीट हो गए। अब बोलेंगे मैम सिंपल पास्ट भी तो यही करता था। बिल्कुल भी यही करता था, पर डिफरेंस होता है। डिफरेंस कैसे होता है ना, एक बात बताओ, पास्ट का क्या मतलब? जो हो गया, दैट इज यू कैन से डन, जो पास्ट में हो गया। परफेक्ट मतलब कंप्लीटेड, तो मतलब तो एक तरह से सेम ही है ना, अगर देखे तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। डिफरेंस क्या होता है, हम ऐसे लेके चलते हैं। नंबर लाइन पढ़ी है हम सब ने, ठीक है। अब हमने टाइम लाइन भी पढ़ी थी, अगर याद हो तो मैंने पढ़ाया था टाइम लाइन क्या होती है। तो वैसे ही हमारे यहाँ पास होती है एक पास्ट, फिर आता है हमारे पास प्रेजेंट, एंड देन इट इज फ्यूचर। तो पास्ट परफेक्ट एक्शन में हम वो एक्शंस की बात करते हैं कि कोई एक्शन है जो पास्ट में अकर हुआ और उससे पहले ही क्या हो गया है, एक और एक्शन अकर हो गया है। नहीं आया समझ? कोई बात नहीं, देखो चले जी यहाँ पे लेते हैं। जैसे मैं हूँ, यहाँ पे एक एक्शन हुआ क्लीन का, ओके। देन यहाँ पे एक एक्शन हुआ स्लीप। तो अगर मुझे ये चीज बोलनी है तो मैं कैसे बोलूंगी? When I slept, I had already cleaned my room. मतलब मैंने बोला When I slept, I had already cleaned my room. तो मतलब एक एक्शन, देखो पहले कौन सा एक्शन हुआ? सोने का एक्शन, स्लेप्ट एक्शन हुआ। बाद में कौन सा एक्शन हुआ? क्लीन का एक्शन, ओके। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम उन एक्शन या उन चीज़ों की बात करते हैं कि कोई एक एक्शन अकर हुआ पास्ट में और उससे पहले ही एक एक्शन हो चुका है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसका। जैसे कि अगर मैं लूँ, वापस से टाइमलाइन लेते हैं हमारी, पास्ट, ये रहा प्रेजेंट और ये रहा फ्यूचर। अब आई से, ठीक है चलो ऐसे लेते हैं, 11 बजे, इट इज़ 11, ओके, इट इज़ 11 एंड आई अराइव्ड। जस्ट इमेजिन आई अराइव्ड एट माई कॉलेज, ठीक है, आई अराइव्ड एट माई कॉलेज। मैंने क्या बोला, मैं 11 बजे कहाँ पहुँची? मेरे कॉलेज पहुँच गई। और जो क्लास थी वो कितने बजे की थी? क्लास वॉज एट 10, 10 बजे क्लास थी। मतलब मैं एक घंटा लेट पहुँची, तो मैं कैसे बोलूँगी? वेन आई अराइव्ड द क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। मतलब कोई ऐसा एक्शन पास्ट में एक एक्शन हुआ और उससे पहले एक एक्शन हो चुका है। पास्ट परफेक्ट में हम वो एक्शंस की बात करते हैं कि कोई एक एक्शन है जो पास्ट में अकर हुआ और उससे पहले एक और एक्शन ऑलरेडी हो चुका है। जैसे अगर इसका सेंटेंस देखें तो क्या बनेगा? अगर बाय चांस हमें बोलना है कि भाई पास्ट परफेक्ट को पहले लाओ, तो हम बोलेंगे द क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड कॉमा वेन आई रीच्ड और अराइव्ड वॉट एवर, ओके। वेन आई रीच, क्लास शुरू हो चुकी थी जब तक मैं पहुंची, मतलब मेरे पहुंचने का एक्शन बाद में हुआ और क्लास शुरू होने का एक्शन पहले हो गया, ओके। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब एक बार हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वो जा चुकी है। दे हैड गॉन आउट, आई हैड ईटन द ब्रेकफेस्ट, शी हैड मेड अ केक। अब ये तो मैंने शॉर्ट सेंटेंसेस दिए, अब भी जो मैंने एक्शन बताया वो कैसे कवर अप करेंगे हम? देखो, एक्शन दैट कम्प्लीटेड बिफोर एन अदर एक्शन इन द पास्ट, कोई एक एक्शन पहले ही हो चुका है इससे पहले कि दूसरा एक्शन पास्ट में हुआ। यहाँ पे मेरे अराइवल का एक्शन पहले हो चुका था ना, मेरी क्लास स्टार्ट होने का एक्शन पहले हो चुका था ना मेरे अराइवल के एक्शन से पहले। उन एक्शंस की बात करी जाती है पास्ट परफेक्ट में कि कोई एक एक्शन है जो अकर हुआ पास्ट में और उससे पहले क्या हो गया, एक और एक्शन हो चुका है। ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड एट अ पार्टी, वो जा चुका था। देखो पहले एक्शन क्या हुआ, पहले जाने का एक्शन हुआ और फिर मैंने आने, तो मैंने क्या बोला, मैं जब तक पार्टी में पहुंची वो जा चुका था। दे हैड गॉन आउट व्हेन यू कॉल्ड, तुमने जब कॉल करा उससे पहले ही वो जा चुके थे। माई फ्रेंड्स हैड लेफ्ट व्हेन माई मदर अराइव, जैसे ही मेरी मदर आई मेरे फ्रेंड चले गए। एंड आई हैड कम्प्लीटेड ऑल द 8 ग्रेड्स ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक बाय द टाइम शी वॉज 15 ईयर्स, जब तक एना 15 ईयर्स की हुई
उन्होंने 8 ग्रेड ऑफ म्यूजिक कंप्लीट कर लिए थे. ओके, आई होप इतना समझ आया होगा सबको. लुक, आई नो पास्ट परफेक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ईजी है. ऐसे लेके चलो कि पास्ट में कोई एक चीज़ हुई है. अच्छा ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं हमारे इसका. लेट्स गो टू दिस ओनली, वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल. वी कैन टेक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने क्या करा. मैं लेट्स टेक एट, एट एट आई एक्सरसाइज. ठीक है, मैंने एक्सरसाइज करी. एट नाइन मैंने कुक करा. या फिर ऐसे लेते हैं, एट एट आई टुक अ बाथ एंड उसके बाद मैंने क्या करा, कुक करा. तो मैं क्या बोलूँगी, वेन आई कुकड आई हैड ऑलरेडी टेकन अ बाथ. मैंने जब तक मैंने खाना बनाया उससे पहले मैंने क्या कर लिया था, नहा लिया था. ठीक है, कोई एक ऐसा एक्शन की बात हो रही है पास्ट में कि कोई एक्शन है जो एक पॉइंट पे अकर हुआ और उससे पहले ही क्या हो गया, पास्ट में क्या एक्शन अकर हो गया. मतलब दो एक्शंस की बात करते हैं. ओके ठीक है, अब हम इसके पॉजिटिव स्ट्रक्चर की चलते हैं. अब हमें पता है, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वापस से एक बार हर वीडियो में रिवाइज करवाते चलेंगे हम ये. हमारा जो सिंपल प्रेजेंट होता है वो क्या बोलता है, कौन सी वर्ब की फॉर्म लूँगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जो सिंपल पास्ट होगा वो बोलता है कौन सी वर्ब की फॉर्म लेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म. वैसे ही जो सिंपल फ्यूचर होगा वो क्या बोलता है, कौन सी वर्ब की फॉर्म लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म. राइट, अब अगर मैं कंटिन्यूस की बात करूँ, जितने भी कंटिन्यूस होते हैं, हमने अभी तक प्रेजेंट पढ़ लिया, पास्ट पढ़ लिया, हमें पता है कंटिन्यूस क्या बोलता है, मैं लूँगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हम हमारे हेल्पिंग वर्ब से कॉम्पनसेट करते हैं. ठीक है, वैसे ही जो हमारा परफेक्ट होता है, व्हाट ही से कि भैया मैं तो लूँगा वर्ब की सिर्फ थर्ड फॉर्म, मैं सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा मैं कोई और वर्ब की फॉर्म यूज़ नहीं करूँगा. तो अब ये डिमांड को पूरी करने के लिए व्हाट वी सिंपली डू, ओके व्हाट वी सिंपली डू, हम क्या करते हैं, हम एक बनाते हैं. स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा किसी भी सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस, अगर मैं परफेक्ट सिर्फ परफेक्ट टेंस की बात करूँ, हमने प्रेजेंट पढ़ा, हमें पता है हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा. राइट, हमने ये पढ़ा है. तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो सब्जेक्ट आ गया, देखो अपनी जगह पे. हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हम किस पे, हम किसके साथ डील कर रहे हैं अभी, पास्ट परफेक्ट के साथ. ठीक है, लिख लो अगर डाउट है तो किसी को भी. हम अभी डील कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट के साथ. तो यहाँ पे मेन वर्ब पे क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म. उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट. ठीक है, एक तो हो गए हमारे ये फॉर्म्स. अब अगर हम इसके बात करें, हेल्पिंग वर्ब की बात करें, तो हेल्पिंग वर्ब में हमने टू हाफ की फैमिली पढ़ी थी. जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था, मैंने टू हाफ की फैमिली पढ़वाई थी. तो वर्ब वन में हमें पता है टू हाफ की फैमिली में कौन कौन आता है, हैज़ और हैव. वर्ब सेकंड में कौन आता है हमारे पास, हैड. और वर्ब थ्री में भी हमारे पास आता है हैड. तो सिंपली जो हमारा पास्ट परफेक्ट है वो क्या डिमांड करते हैं, मेनली हमारा पास्ट क्या बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लूँगा. तो इसीलिए हम लेते हैं हैड टू हाफ की फैमिली से हैड को. तो इन शॉर्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. देखो, सब्जेक्ट सबसे पहले आया, सब्जेक्ट फिर हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जॉन हैड गॉन आउट, वी हैड ओन्ड अ कार, दे हैड लेफ्ट हिज फाइल्स, दे हैड ब्रॉट अ न्यू टेलीविजन, आई हैड सीन सच अ बिग बिल्डिंग. ओके, क्लियर हुआ इतना, ठीक है. अब देखो, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म्स है वो आपको याद करनी पड़ेगी. गॉन के अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म देखें तो वर्ब वन में क्या होता है, गो, वेंट, और वर्ब थर्ड में हमारे पास गॉन. ओन्ड की करें तो ओन, ओन और ओन्ड. ठीक है, सेम. नाउ टॉकिंग अबाउट लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट. ओके, टॉकिंग अबाउट बॉट, बाय, बॉट, बॉट. टॉकिंग अबाउट सीन, सी, सॉ, सीन. ठीक है, ये होते हैं वर्ब के फॉर्म्स, ये आपको डिटेल में याद करने पड़ते हैं. नाउ टेकिंग अबाउट द नेगेटिव स्ट्रक्चर, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, हैड, फिर नॉट लगा देते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आई गेस अब तो सबको आ गया होगा नेगेटिव और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाना, हमने इतने सारे वीडियो लेक्चर्स कवर कर लिए हैं. जॉन हैड नॉट गॉन आउट, वी हैड नॉट ओन्ड अ कार,
They had not left his files. They had not brought a new television. I had not seen such a big building. Okay. I hope itna clear hua hoga sabko. Okay. Now moving to a last interrogative structure. अब हमें बताया किसी भी चीज़ का अगर हमें interrogative structure बनाना तो हम क्या करेंगे? Helping verb को आगे ले आएंगे. तो हमने क्या करा? Helping verb had को आगे ले आया. Had John gone out? क्या John बाहर गया है? Had we owned a car? क्या हमने गाड़ी खरीदी थी? Had he left his file? क्या वो अपनी फाइल भूल गया था? Had they brought a new television? Had they seen such a big building? Okay. I hope इतना clear हुआ होगा सबको. Okay. Now in the next part, we are going to go with past perfect continuous. And if you have any doubt, please feel free to ask in comment section. Thank you so much.